हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल या राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, एचसी वर्मा वर्क एनर्जी का ये सवाल नंबर 9 है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। अ ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज ब्लॉक स्लाइड थ्रू 1 मीटर। सही है, मतलब एक स्लाइडिंग है बच्चों, है ना, एक स्लाइडिंग है और स्लाइडिंग का एंगल दिया हुआ है। पहले देखो, ये स्लाइडिंग है, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री और यहां से कोई मास स्लाइड कर रहा है। मास दिया हुआ है 250 ग्राम। बच्चों आपको एक बात पता होगा कि जब भी कोई मास इधर स्लाइड करता है, इधर, तो आप एक बात याद रख लो, इधर देखो स्लाइड करता है ना, तो इधर लगता है एमजी साइन थीटा। क्या लगता है इधर? इधर इधर देखो फोर्स लगता है एमजी साइन थीटा। कितना लगता है? जो जब भी कोई चीज फिसलती है ना, तो आप याद कर लो एक तरह से कि इधर लगता है mg साइन थीटा। देखो ऊपर की तरफ लगता है, इधर जब हम mg को तोड़ते हैं तो इधर लगता है mg cos थीटा। मैं दिखा देता हूं, देखो कुछ ऐसा होता है जब भी कोई मास यहां होता है ना, ये एंगल थीटा है। तो बच्चों ये नॉर्मल, ये नॉर्मल बैलेंस करता है mg cos थीटा को। नॉर्मल बैलेंस किसको कर रहा है यहां पर? mg cos थीटा नॉर्मल को बैलेंस करता है। और बच्चों इधर वो फिसलता है mg sin थीटा से, कोई भी चीज फिसलती है। तो जब भी कोई इंक्लिनेशन से अगर दिया हुआ है ना, तो आप ये बात याद ही रख लो कि जो इधर फिसलता है वो mg sin थीटा होता है। चलिए सही है ना ये बात? तो ये mg sin थीटा। अब होता क्या है, देखो ये इधर फिसलेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है कि नहीं है? तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है यहां पे, और हमसे फ्रिक्शन का ही वर्क डन पूछा है ना। फाइंड द अगेन द, क्या भैया? फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज ब्लॉक स्लाइड। नहीं, हमसे इसका फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो पूछ रहा है ना, कि कितना कार्य करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, मतलब ये वाला, ये वाला देखो आप एमजी साइन थीटा कितना वर्क कर रहा है, ऐसा समझ लो। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, तो ये मास इधर फिसल रहा है, किससे फिसलेगा? एमजी साइन थीटा से। साइन थीटा, तो यहां पे हम थीटा की जगह 37 डिग्री भी लिख सकते हैं। आपको एंगल निकालने आता होगा, एंगल मैं आपको दिखा दूं, बताना कैसे होता है एंगल। देखो देखो ये वाला होता है 53 डिग्री। याद रखने का तरीका क्या है? देखो बच्चों, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ये 53 होता है, ये 37 होता है। तो साइन 37 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, साइन 37 का अगर आप मान देखो तो हो जाएगा 3/5, है ना। 3 हो गया इसका परपेंडिकुलर और 5 हो गया हाइपोटेनस, यहाँ 90 डिग्री है। सही है। और कितना चला है बच्चों ये मास? ये मास चला है 1 मीटर। कितना चला है? 1 मीटर। बस रख दीजिए, रख दीजिए, वैल्यू हो गया और क्या, है ना। तो इंक्लिनेशन 37 डिग्री यूनिफॉर्म। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज ब्लॉक स्लाइड। इसका कितना कार्य? तो बच्चों इधर ही फिसल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? जो फोर्स लगा, देखो तो ये फोर्स है आपका, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री तो fs cos थीटा, cos थीटा तो 0 हो जाएगा, मतलब जो वर्क डन का फॉर्मूला आप लिखते हो fs cos थीटा तो 0 हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हो fs cos 0 डिग्री, तो यहां से आ गया fs। फोर्स कितना है? ध्यान से देखो, फोर्स का मान बैठा हो गया आप mg sin 37 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। मास कितना है बच्चों? 250 ग्राम। 250 को आप क्या लिख सकते हो? 250/1000। हमेशा ऐसा यूनिट यूज कीजिए, है ना। तो 250 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। जी को हम 10 ही रखते हैं, 9/8 भी रख सकते हो आप। साइन 37 कितना होता है बच्चों? 3/5 गुना 1 है, 1 मीटर चला है। काटो यहां से, देखो ये जीरो जीरो कट रहा है, सॉरी ये जीरो कट रहा है, ये जीरो कटा, 1 जीरो और कटेगा यहाँ पे, सही है ना। और कटेगा क्या? 5×5=25, 5 बार में कट रहा है ये, और कुछ हो रहा है? हाँ, 5×10 तो ये आ रहा है 3/2। कितना आ रहा है? 3/2। 3/2 का मतलब ये कितना हो रहा है? 1.5 जूल। आंसर वक्र पूछा था, कितना आंसर आएगा बच्चों? 1.5 जूल। तो पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।